नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आयुष्मान भारत योजना का दूसरी बार लाभ लेने के लिए आधार होगा अब जरूरी। प्रदेश के 13 जिलों के 325 गांवों में 80% अनुदान पर कृषि यंत्र बैंक बनाएगी राज्य सरकार। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में हुई कमी, 11 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान के आने की संभावना। और राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 2 बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का लिया निर्णय। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पहली बार आधार नंबर आवश्यक नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार इसका लाभ लेने के लिए आधार नंबर देना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने बताया कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने आधार के लिए पंजीकरण करा लिया है। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि आधार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकों, डाकघरों और सरकारी परिसरों में चल रहे आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश के गांवों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। 13 जिलों के 325 गांवों में कृषि यंत्र बैंक बनाने के लिए राज्य सरकार 80% अनुदान देगी। एक जिले के 25 गांवों के चयनित 10-10 किसान को इसका लाभ मिलेगा। कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से लाभार्थी किसान अपनी खेती करने के साथ साथ गांव के अन्य किसानों को उचित किराए पर कृषि यंत्र दे सकेंगे। यह योजना रबी मौसम से ही लागू की जा रही है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कृषि अधिकारियों को गांवों और लाभार्थियों की सूची भेजने का निर्देश दे दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि यांत्रिकरण से राज्य में फसल उत्पादन में 30% तक की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों में इस वर्ष लगभग 57,000 क्विंटल बीज का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए 3,459 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने इस खेती के लिए लगभग 18.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वैशाली जिले के हाजीपुर में रैपिड एक्शन फोर्स का केंद्र स्थापित किया जाएगा। बल्कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने RAF की 5 नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही देश में अब कुल 15 बटालियनें हो जाएंगी। पूर्णिया नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने की मंजूरी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दे दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। NHAI के अधिकारी ने बताया कि 1,223 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च की जाएगी, जिससे कटिहार और पूर्णिया जिले के लोगों को काफी लाभ होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016 को लागू करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने बिहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2018 को तैयार किया है। इसके अंतर्गत नगर निकाय छोटे बड़े कचरा उत्पादकों से यूजर चार्ज लेंगे और गलत ढंग से कचरे को निपटाने पर जुर्माना भी वसूल किया जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और अरब सागर में उठ रहे चक्रवाती तूफान का असर राज्य में 11 अक्टूबर से दिखने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान गंगा के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अरब सागर से तूफान का रुख पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने के कारण प्रदेश के पड़ोसी राज्यों समेत गंगा के तटीय क्षेत्र में इसका असर पड़ सकता है। राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 2 बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बुनियादी विद्यालय रानीपुर और शेख धुरवा का चयन किया है। विभाग ने दोनों विद्यालय के भवन की मरम्मत के लिए लगभग 34,47,000 रूपये आवंटित किए हैं। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव विनोद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दोनों चयनित विद्यालयों के जीर्णोद्धार का निर्णय किया है।
विधानसभा में राजपत्रित पदों पर पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी। विधानसभा ने नई नियमावली बनाकर पुरानी व्यवस्था खत्म कर नियुक्ति करने का निर्देश बीपीएससी को भेज दिया है। शीघ्र ही 27 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी शुरू करेगा। इनमें 2 पद जनसंपर्क अधिकारी के हैं, जबकि 25 पद प्रशाखा पदाधिकारियों के हैं। वहीं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति विधानसभा अब भी स्वयं ही करेगा। सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 लोगों को 29 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। राज्य की विभिन्न जेलों में कल छापेमारी के दौरान प्रशासन को 32 मोबाइल और 10 चाकू मिले हैं। छापेमारी दल ने लगभग 48,690 रुपए नकद बरामद किया है। कारा विभाग के आईजी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि दोषी कारा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सुपौल जिले में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं से मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में 1 महिला और 2 युवक हैं। राज्य में नवनियुक्त अतिथि शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के दौरान रोहतास जिले के 16 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है, जिसके बाद इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत शुकलपुर गांव के पास यात्री बस के पलट जाने से चालक की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। ये बस बेतिया से रांची जा रही थी। मेघालय के शिलांग में 10 अक्टूबर से शुरू हो रही 27वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। उधर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 15 अक्टूबर से ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान ने कचरा प्रबंधन के उपायों को प्रमुखता देते हुए सुर्खी लगाई है, सरकार ने तैयार किया बिहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2018, कचरे पर देना होगा यूजर चार्ज व जुर्माना। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, 4 साल में 10,000 उपाय कर कारोबार आसान बनाया। दैनिक भास्कर लिखता है, गुजरात में बिहार यूपी के लोगों पर 4 दिन में 42 हमले, डर के मारे 8,000 लौट रहे घर। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं के विकास पर दिए बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, आधी आबादी को मिले हर चीज में आधी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय सहारा ने उपराष्ट्रपति के हवाले से लिखा है, किसानों के विकास से ही देश का विकास। और अब अंत में मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना का दूसरी बार लाभ लेने के लिए आधार होगा अब जरूरी। प्रदेश के 13 जिलों के 325 गांवों में 80% अनुदान पर कृषि यंत्र बैंक बनाएगी राज्य सरकार। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में हुई कमी, 11 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान के आने की संभावना। और राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित 2 बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का लिया निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ताजिकिस्तान में भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी संपर्क मजबूत करने को कहा। भारतीय वायुसेना आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर जंगली जानवरों के कारण बर्बाद फसलों की भरपाई का फैसला किया। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर हवा के कम दबाव से तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में अगले 24 घंटों में वर्षा का अनुमान। और क्रिकेट में ढाका में खेले गए एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है।
पहले चरण में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के 422 वार्डों के लिए मतदान शाम 4 बजे तक होगा। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के स्थानीय निकाय के 3 वार्डों में मतदान चल रहा है। इस चरण में कारगिल और लेह की नगर समितियों के लिए भी मतदान शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन चुनावों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू संभाग के मतदान वाले तीनों जिलों में लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और लोगों में खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी पहले घंटे में लंबी कतारों का सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ है, किंतु दिन के साथ साथ भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। जम्मू संभाग में 670 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 52 अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध अमल में लाए गए हैं और मतदान वाली जगहों पे सरकार ने छुट्टी की घोषणा भी की है। आरके रैना के साथ योगेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतीय देश के सच्चे सांस्कृतिक दूत हैं। कल रात ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ताजिकिस्तान के संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी संपर्क बढ़ाने की अपील की। राष्ट्रपति कोविंद आज ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमामोली रहमान और शीर्ष नेताओं के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के उपायों पर बातचीत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पारंपरिक स्वागत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मामूली रहमान से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके बाद द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर की भी संभावना है। राष्ट्रपति इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के दुशांबे स्थित स्मारकों पर जाएंगे और दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति आज शाम ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और आधुनिक समाज तथा धार्मिक अतिवाद के विषय पर अपने विचार रखेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, दुशांबे। भारतीय वायुसेना आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर परंपरा के अनुरूप गाजियाबाद के हिंडन वायु सेवा केंद्र में भव्य परेड और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा परेड का निरीक्षण करेंगे। एक रिपोर्ट। परेड के बाद वायुसेना की योद्धा टीम अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करेगी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के विमान रोमांचक हवाई करतब और कलाबाजियां प्रस्तुत करेंगे। ध्वज के साथ हवाई कलाबाजों की जानी मानी आकाशगंगा टीम की AN-32 विमान से छलांग के साथ ही हवाई करतबों की शुरुआत होगी। फ्लाई पास्ट में MI-17 V-5 रुद्र हेलीकॉप्टर, डोर्नियर विमान C-130J और C-17 परिवहन विमान जगुआर, विसन, MiG-29, Mirage-2000, Sukhoi-30, MKI लड़ाकू विमान शामिल होंगे। 9 हॉक विमानों के साथ भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और हेलीकॉप्टर एरोबेटिक्स टीम सारंग भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समाचार कक्ष से अलका सिंह। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय क्षेत्रीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 दिन के सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन के पहले बीते रात कार्यकारिणी बैठक हुई। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। कौशल विकास, आतंकवाद, महिला सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी जैसे विषय पर चर्चा होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी भी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार ने कुछ चुने हुए जिलों में जंगली पशुओं के कारण फसल बर्बादी की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रायोगिक आधार पर करने का फैसला किया है। श्री सिंह ने कहा कि जल जमाव, भूस्खलन और ओले से फसल की बर्बादी पहले इस योजना के दायरे में नहीं थे, लेकिन अब नए प्रावधानों के तहत इन्हें भी इसके दायरे में लाया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि विभिन्न पक्षों से परामर्श के बाद फसल बीमा योजना के प्रावधानों में संशोधन इस महीने से लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संशोधनों के तहत फसल नुकसान के बीमा दावे मंजूर करने में देरी पर जुर्माने का भी प्रावधान है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की गई है।
त्रिपुरा में ये अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और प्रदेश के लोगों ने इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान त्रिपुरा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके दौरान पूरे राज्य में सफाई अभियान, पोस्टर बनाना, सेमिनार, चित्रकला प्रतियोगिता और रैली आदि का आयोजन किया गया। अगरतला की हरिजन कॉलोनी में एक सामुदायिक शौचालय की आधारशिला रखने के अवसर पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अगरतला नगर पालिका परिषद के आयुक्त शैलेश यादव ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। सभी वार्ड में एक एक स्पेशल श्रमदान किया गया है, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा हमने इस दौरान हरिजन कॉलोनी बस्ती यहाँ कम्युनिटी टॉयलेट जो बनने हैं, उनमें कुछ 25 कम्युनिटी टॉयलेट जो है अगर बनेंगे, एक ऑलरेडी चालू हो गया है। एक लाभार्थी विनीता बासपोर ने अपनी राय व्यक्त की। कम्युनिटी टॉयलेट के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी। बहुत पीछे जो लोग रहते हैं उनके लिए एक कॉमन टॉयलेट है, अगर सामने जो बन रहा है टॉयलेट उसके लिए तो उन दोनों के लिए बहुत सुविधा होंगी। एक अन्य लाभार्थी मोनालिसा बासपोर ने स्वच्छता अभियान के बारे में कहा। हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होते रहे, धीरे धीरे हो रहा है बट हम चाहते हैं इसका सबको लाभ भी हो। स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा अब संपन्न हो गया है, लेकिन स्वच्छता कार्यक्रम पूरे राज्य में जोर शोर से जारी है। अगरतला से चंदन लेखा पाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है भविष्य की ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी कॉल कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH DD डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर के ऊपर हवा का कम दबाव बनने से तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप समूह में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा हो सकती है। हवा का ये दबाव गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में ओमान और यमन तट को पार कर सकता है। तटरक्षक बल ने किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। डोर्नियर विमान और पोतों को केरल, लक्षद्वीप और मेनिकाय द्वीप समूह तथा तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 12 घंटों के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी है। ढाका में खेले गए एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में कल भारत ने श्रीलंका को 144 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 304 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 38 ओवर और 4 गेंदों में 160 रन ही बना सकी। यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विमलेंदु। उत्तराखंड के पहले निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 4 साल में बदला कारोबारी माहौल। पंजाब केसरी का शीर्षक है दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा भारत। विश्व के हर बड़े ब्रांड का भारत के मेक इन इंडिया में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जनसत्ता की अहम खबर है। हरी भूमि की सुर्खी है केंद्र का राज्यों का आदेश, रोहिंग्या भेजे जाएंगे म्यांमा, नए सिरे से होगी पहचान। केंद्र ने राज्य सरकारों से नए फॉर्म भेजकर मांगी जानकारी। गुजरात में अन्य राज्यों के लोगों के पलायन पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है गुजरात में हमले बढ़े, 342 लोग गिरफ्तार, राजनीति शुरू। दैनिक भास्कर लिखता है यूपी बिहार के लोगों पर 4 दिन में 42 हमले, 8,000 से ज्यादा लोगों ने किया पलायन, 7 जिलों में हिंसा का असर। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद गतिरोध पर हिंदुस्तान की सुर्खी है पुरोहित केरल सरकार के खिलाफ वार्ता से किया इनकार। बिहार के सुपौल जिले में सरकारी आवासीय विद्यालय में मंचनों के दुस्साहस पर जनसत्ता की अहम खबर है। बिहार में अशिष्ट टिप्पणियों का विरोध करने वाली किशोरियों से मारपीट। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है छेड़छाड़ के विरोध पर छात्राओं को स्कूल में घुसकर पीटा, 34 भर्ती। भारत में पिछले एक दशक में किशोरों में बढ़ते अवसाद के मामलों पर देशबंधु का शीर्षक है अल्हड़ उम्र में अवसाद के मकर जाल में उलझ रहे बच्चे, 14 साल से कम उम्र में अवसाद की दहलीज पर होते हैं 50% किशोर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ताजिकिस्तान में भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी संपर्क मजबूत करने को कहा है। भारतीय वायुसेना आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर जंगली जानवरों के कारण बर्बाद फसलों की भरपाई का फैसला किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर हवा के कम दबाव से तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में अगले 24 घंटों में वर्षा का अनुमान। और क्रिकेट में ढाका में खेले गए एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।